चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस अब दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। चीन में तो इस वायरस ने भयानक रूप ले लिया है। इसकी वजह से अब वहां 361 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि इससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन सारे उपाय फेल होते नजर आ रहे हैं। चूंकि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और चीन में लोगों को फेस मास्क पहनने की सलाह दी गई है, लेकिन अब वहां फेस मास्क की भी कमी हो गई है। इसीलिए लोग फेस मास्क के तौर पर अजीबोगरीब चीजों का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। चीन में कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग सैनिटरी पैड और ब्रा जैसी चीजों का इस्तेमाल मास्क के तौर पर कर रहे हैं। कहीं कहीं तो लोग प्लास्टिक की बोतलों को भी हेलमेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए लोगों को मुंह ढकने के लिए जो भी मिल रहा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग मास्क के अंदर सैनिटरी पैड लगाकर चल रहे हैं। मास्क उपलब्ध नहीं होने की दशा में उसकी जगह ब्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही लोग प्लास्टिक के अंदर सिर को डालकर सड़कों पर देखे जा सकते हैं। कोरोना वायरस का खौफ इतना है कि लोग प्लास्टिक की बोतलों को सिर में डालकर घूम रहे हैं। माना जा रहा है कि जिन लोगों के पास महंगे सुरक्षा कवच खरीदने के लिए धन नहीं है, वो इन उपायों को अपना रहे हैं। आपको बता दें कि चीन ने सोमवार को कोरोना वायरस से प्रभावित वुहान शहर में 9 दिनों में 1000 बेड का अस्पताल बनाया है और वायरस के इलाज के लिए क्लिनिकल परीक्षण शुरू कर दिया है। एक चीनी स्वास्थ्य विशेषज्ञ झोंग नानशा ने कहा कि ताजा सबूतों के आधार पर कोरोना वायरस को चीन और दुनिया में तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस अगले 10 से 14 दिनों में अपने चरम पर पहुंच सकता है। इसका मतलब ये है कि ये मामला कम होने के बजाय तेजी से बढ़ेगा, जो दुनिया के लिए परेशानी का सबब होगा। आपको बता दें कि भारत में भी कोरोना वायरस से संक्रमण के तीसरे मामले की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हाल ही में चीन से केरल लौटा एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है। उसे अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मरीज की हालत स्थिर है और उस पर करीब से नजर रखी जा रही है। इससे पहले 30 जनवरी और 2 फरवरी को वुहान से लौटे केरल के 2 छात्रों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को चीन की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारतीयों को चीन की यात्रा करने से बचना चाहिए। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका जैसे देशों ने भी अपने नागरिकों को चीन की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। अमेरिका ने तो अपने देश में चीनी यात्रियों के आने पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने चीन में मौजूद अपने दूतावास के अधिकतर कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। अमरउजाला.com अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहन मीडिया स्कूल यानी टैम्स दे रहा है सुनहरा मौका। एक साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट।